हॉस्पिटल का है। वाडिया हॉस्पिटल में एज अ सिस्टर इंचार्ज लास्ट 32 इयर्स से काम कर रही हूँ। और अभी ऐसे प्रॉब्लम वाडिया हॉस्पिटल में चल रहे हैं कि वाडिया हॉस्पिटल कैसे रन करना है, क्योंकि गवर्नमेंट और महानगर पालिका फंड्स ने रिलीज नहीं कर रही है, तो उसकी वजह से पेशेंट ज़्यादा सफ़र हो रहे हैं। पेशेंट सफ़र हो रहे यानी क्या, हमको अभी 2 दिन का ही मेडिसिन बाकी है, तो अभी 2 दिन के मेडिसिन के बाद क्या होगा। तो ये हम हॉस्पिटल चलना चाहिए, गवर्नमेंट ने या बीएमसी ने ये बोलना चाहिए कि नहीं ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि ये जो हॉस्पिटल चल रहा है, ये जो मिल कामगार लोग हैं, पुअर लोग हैं, बाहर से कितने लोग आते हैं खाली स्पेशल हॉस्पिटल के लिए वाडिया के लिए, क्योंकि इधर कितने कम पैसे में डिलीवरी हो जाती है, कम पैसे में ऑपरेशंस हो जाते हैं। तो वो अभी अगर ये फंड्स रिलीज नहीं होगा तो इसके आगे का ये क्या है, तो प्राइवेटाइजेशन हो सकता है, और वो कोई भी ये नहीं हो सकता है कि बाहर के जो पुअर लोग हैं वो इधर आके ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, वो अफोर्डेबल इतने नहीं है। तो अभी ये तो हमारी सेवा है, जो हम लोग ये जो सेवा है वो ईश्वर सेवा हम लोग कर रहे हैं, लेकिन इसके आगे का क्या होगा अगर ये प्राइवेटाइजेशन होगा। और ये कदा कोई बोल ही नहीं सकता है कि ये हॉस्पिटल ऐसे ये लास्ट स्टेज पे है कि कोई मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये हॉस्पिटल को फंड नहीं है। आज तक हमने भी इतने सालों में हम लोग ने ये सफ़र नहीं किया था, लेकिन आज हम ये ऐसे सोच रहे हैं कि ये हॉस्पिटल का ये हालत क्यों हुआ। तो ये जो मैनेजमेंट है, बीएमसी है और गवर्नमेंट, जो भी प्रॉब्लम है इन्होंने साथ में बैठना चाहिए और साथ में निर्णय लेना चाहिए। यह हॉस्पिटल फॉरएवर के लिए चलना चाहिए, यही हम